मैं अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दूं सिर्फ इसलिए कि लोग अच्छा सोचे मेरे बारे में, तो इससे बढ़िया कि लोग चार गालियां दे लें और मैं अपनी जिंदगी ठीक करने की कोशिश करूं। जिंदगी है, सारे प्रयोग उसी में करने हैं, उसी में प्रयोग करना है, उसी को जीना है। ये चांस तो है नहीं कि एक में प्रयोग कर दूसरी को जिएंगे। तो जो नौकरी अच्छी नहीं लग रही तो फिर मैं क्यों उसको ढोता। तो फाइनली उसको मैंने छोड़ दिया। फिलोसफी में एक दार्शनिक है सार्थ नाम के, जीन पॉल सार्थ, बहुत प्रसिद्ध आदमी है। उनका कहना है कि मनुष्य की पूरी कहानी उन निर्णयों से बनती है जो वो लेता है, और आप कितना भी समझदारी से फैसला करेंगे कभी ना कभी थोड़ा बहुत रिग्रेट उस फैसले को हो ही जाता है, क्योंकि हर फैसले के दोनों पक्ष होते हैं ना, फायदे भी नुकसान भी होते हैं। पर मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि ये मेरे जीवन का शायद अकेला बड़ा फैसला है जिसका रिग्रेट मुझे आज तक एक सेकंड के लिए भी नहीं हुआ। मैं नौकरी छोड़ के इस दुनिया के सबसे सबसे सुकून वाले इंसानों में से एक हूँ, और मुझे इतना भी दुख नहीं है कि मैं नौकरी को छोड़ दिया। हमें होम मिनिस्ट्री में था और कुछ दिन अच्छे गुजरे थे वहाँ, लेकिन उससे बहुत अच्छे दिन मैं गुजार रहा हूँ नौकरी छोड़ने के बाद। हता तो बच सकता था मगर कैसे बच सकता था, जो बचेगा कैसे रचेगा। पहले मैं झुलसा चिटकने लगा, चाहता तो कराह सकता था मगर कैसे कराह सकता था, जो कराहेगा कैसे निभाएगा। यहां तक मेरी बात है, मैं गॉड को लेके वैसा फील नहीं कर पाता हूं, मेरे अंदर ऐसी फीलिंग बहुत ज्यादा है। मैं एग्नोस्टिक हूं, मैं ये मानता हूं कि ये दुनिया गॉड ने बनाई है, ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि अपने आप बनी हो, इवोल्यूशन के प्रोसेस में बनी हो। मुझे ये जरूर लगता है कि ज्यादा चांसेस हैं कि कोई ना कोई फोर्स है इस सब के पीछे, पर वो फोर्स वैसी एकदम नहीं है जैसा धर्मों के लोग मानते हैं। मॉक इंटरव्यू लेते हैं तो 30-30 32-32 साल के बच्चों से पूछे, भाई इश्क हुआ कभी? बोलते नहीं सर, नौकरी के बात करेंगे। मतलब दया भी आनी बंद हो जाती है उन पर, दया भी कहां तक करेगा कोई, कितना खराब लगता है सोचिए, है ना। मतलब सहज होना तो पहली शर्त है ना, बाकी सब जीवन में ठीक है, आईएएस बनना, आईपीएस बनना, सब ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि बाद में ये लगे कि जो बेसिक सामान्य बातें थी वो छूट रही। मुझे फर्स्ट ईयर खत्म होते ही, मैं 17.5 साल का था, मुझे नौकरी करनी शुरू करनी पड़ी। तो उस उम्र में नौकरी तो मिलना आसान नहीं होता, तो मैं सेल्समैन बना पहले, सबसे पहले कैलकुलेटर बेचता था। कालका जी शायद आपने देखा होगा, वहां तारा अपार्टमेंट नाम की जगह है, उस तारा अपार्टमेंट में ही एक कंपनी ऑपरेट होती थी कैलकुलेटर्स की। तो मैं उनका सेल्समैन था और घर घर जाके दुकानों पे जाके उसको बेचना होता था, बिकते थे नहीं मुझसे, बड़ा मुश्किल काम था वो।